नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आपने कहावत बहुत सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। ये कहावत अगर हम बात करें एक अभी हाल में हुई एक घटना के बारे में, तो ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है उस घटना के लिए। उस घटना के बारे में आपने अखबारों में, टीवी पर और अन्य चैनलों में भी पढ़ा होगा। और जिस घटना की हम बात करने वाले हैं आज, वो घटना है मुरादाबाद में अखिलेश कुमार यादव, यानी कि जो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके द्वारा और उनके कुछ साथियों के द्वारा, उनके कुछ बॉडीगार्ड्स के द्वारा एक पत्रकार पर हमला किया जाता है। हालांकि पत्रकारों पर हमला करना कोई एक नई बात नहीं रही है, पत्रकारों पर आए दिन आम आदमी हमला करते रहे हैं, लेकिन इस तरह के नेता और उत्तर प्रदेश में एक उभरता हुआ पार्टी जो 2017 के चुनाव में अपनी बुरी स्थिति से गुजरा, उसके बाद से लग रहा था कि अखिलेश यादव का पार्टी और ये जो संगठन है वो शायद आने वाले 2022 के चुनाव में कड़ी चुनौती देगा। मगर ये शुरुआती जो झटके इनको लग रहे हैं, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये उनको भारी पड़ रहा है। इस वीडियो को हम क्यों बना रहे हैं, उसका कारण ये है कि अभी अभी आज की जो खबर है उसमें अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुरादाबाद में पत्रकार के साथ मारपीट के वजह से अखिलेश यादव के ऊपर 3 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 147, आईपीसी 342, आईपीसी 323 के तहत अखिलेश यादव और बाकी अन्य लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है। हुआ क्या था उस दिन मुरादाबाद में? दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुरुवार को, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कुछ पत्रकारों ने पर्सनली जाकर के अखिलेश यादव से बात करने के लिए कोशिश की, मगर अखिलेश यादव से कुछ पर्सनल सवाल पूछ लिए जिसके वजह से वो भड़क गए। और भड़कने के बाद से कुछ ऐसे अपशब्द उन्होंने कहा जिसके वजह से वहाँ पर खड़े उनके साथी और सुरक्षाकर्मी पत्रकारों को पीट देते हैं। एक पत्रकार गिर जाता है जो चुटिल हो जाता है। उसके बाद से पत्रकारों ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया। पत्रकारों की पिटाई के बाद जो कानून मंत्री हैं प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश के, ब्रिज पाठक, वो भी शुक्रवार को मुरादाबाद के पत्रकारों की पिटाई की कड़ी निंदा करते हैं और उनसे आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अगर उनके पार्टी के लोग पत्रकारों पर प्राणघातक हमला करते हैं। पाठक ने कहा कि लाल टोपी पहन लेने वाले सभी लोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं, इनमें गुंडे शामिल हैं जिनसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। नाराजगी जताते हुए उन्होंने ये भी कहा, बड़े शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री रह चुके शख्स की मौजूदगी में ये सब वारदात हो रहे हैं। उन्होंने मुरादाबाद की इस घटना में चोटिल हुए पत्रकारों का नाम लेते हुए कहा कि इन पत्रकारों को सपा कार्यकर्ता के जो हमले हुए उसके वजह से गंभीर चोटें आई। श्री पाठक ने कहा कि हम इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री व अन्य नेता मीडिया के साथ हैं और मुरादाबाद की इस घटना को प्रदेश और देश में ले जाएंगे। तो अखिलेश यादव को क्या ऐसा हुआ उस दिन कि जिसके वजह से वो पत्रकारों पर हमला कर देते हैं? पत्रकारों को हमला ही नहीं करते हैं, एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो में स्पष्ट वो कहते हुए दिख रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने मारा और तुम तो गिर भी गए थे, तुम तो बेहोश हो गए थे, ऐसा कुछ शब्द उन्होंने यूज इस्तेमाल किया है, वो वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो को आप खुद देखिएगा और उनके जो वक्तव्य हैं आप खुद सोचिएगा कि इस राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस तरह के वक्तव्य, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मीडिया के लिए कर रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है। जब अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद से
उनके पार्टी के कुछ लोग यानी कि सपा जिला अध्यक्ष ने भी पत्रकारों के ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया है। सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने भी पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज कराया। उन्होंने एबीपी न्यूज़ के उबैर उर रहमान, न्यूज़ 18 के पत्रकार फरीद शमसी के खिलाफ धारा 160, 341, 332, 353, 504, 499, 120 बी के तहत मामला दर्ज कराया है। तो ये थी पूरी घटना, और अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, और इस पे आगे क्या फैसला आता है, क्या कार्रवाई होती है, क्या अखिलेश यादव माफ़ी मांगते हैं या अखिलेश यादव के ऊपर जुर्माना लगता है, ये अभी बात देखने वाली होगी। और देखते हैं कि इनके ऊपर क्या फैसला लिया जाता है, अखिलेश यादव इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, ये आगे देखने वाली बातें हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।